और गाजा में इसराइल के हमले जारी हैं। गाजा में इसराइल ने भीषण बमबारी कर दी है, वहां पर 63 गोलियां भी देखी गई। हमले के बाद गाजा के आसमान में रोशनी दिखाई दे रही है। गाजा लगातार धमाकों की आवाजों से गूंज रहा है। गाजा के आसमान में धुआं भी उठता हुआ नजर आया। इसराइल सेना के जवान हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इसराइल वॉर का ये आज 41वां दिन है। जंग के 41वें दिन इसराइल ने गाजा पर दिन और रात में कई हमले किए। गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इसराइल के टैंक से अटैक किया गया। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। हम और हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको लगातार और ये धमाके की आवाजें आप सुन रहे हैं और एक के बाद इसी तरह से धमाका होता है, धुआं उठता है और हमास के आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाता है। पीछे से हमारे हमला होता है। हम लोग जिस एरिया में मौजूद हैं उसके पीछे एक मिलिट्री जोन है और वहां से तोप से हमला होता है, हवाई हमला भी किया जाता है, लेकिन तोप से हमला किया गया और देख सकते हैं ये बड़ा गुब्बार उठा है। न्यूज 18 इंडिया पल पल की तस्वीर आपको इसराइल गाजा बॉर्डर की दिखा रहा है। आवाजें आप लगातार हमारे कैमरे पर सुन रहे हैं, बहुत सेंसिटिव इलाका है, देख सकते हैं ये आवाजें लगातार आपको मिल रही हैं। और ये एरिया जो है ये पूरा मिलिट्री जोन है जहां हम लोग पहुंचे हैं इस वक्त। न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पीछे आपको तोप आपको दिख रहा होगा, कैमरा पर्सन बाई तरफ थोड़ा सा कैमरा करके दिखाएं, ये तोप पर सेना के जवान तैनात हैं और ये मिलिट्री जोन है। और अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई कितनी भयानक हो जाएगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के कंधों पर ईरान का हाथ है और ईरान इसराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उस पर गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी विद्रोहियों को हथियार और पैसे देकर पालने पोसने का आरोप लगता रहा है। इसराइल ईरान पर लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान के इशारे पर ही HHH यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों की ये टिकड़ी उसके शहरों में हमलों को अंजाम देती है। इसराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान के इशारे पर ही गाजा पर हमलों के दौरान इसराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठकर हूथी लड़ाकों ने दक्षिणी इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। इन हमलों के लिए हूथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि इसराइल ने दावा किया है कि हूथी की मिसाइलें इसराइल की हवाई सुरक्षा को भेदने में नाकाम रही हैं। लेकिन ईरान के पाले पोसे HHH के तीसरे एच यानी हूथी लड़ाकों ने हमास जंग के बीच अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दी। यमन में सक्रिय हूथी विद्रोहियों ने हमास और हिजबुल्ला की तरह ही इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कसम खाई। हूथी विद्रोही शिया मुसलमान, उन्हें ईरान का खुला समर्थन मिला हुआ, जिसके दम पर हूथी विद्रोहियों ने यमन में बीते 9 साल से कोहराम मचा रखा है। 2014 से वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है। सुन्नी देश सऊदी अरब का आरोप है कि हूथी लड़ाकों को ईरान भड़काता है और हथियार के साथ पैसे भी पहुंचाता है। लेकिन 2015 में यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए सऊदी अरब लड़ाई में कूद पड़ा था और बीते 9 साल से वहां ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब की सेना के बीच भयानक संघर्ष जारी है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि कई लाख लोग बेघर हो गए।